आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। झोला जो भर के दिल मेरा धर के, दिल की जवानी का सताए बड़ बड़ के। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। दोस्तों, आज जिस टॉप मोस्ट हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत थी, बहुत आज़ाद ख्याल थी, हर धर्म में हर मज़हब में विश्वास रखती थी और सबकी इज़्ज़त करती थी, चाहे कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो या फिर ग्रंथ साहब। और वो थी बहुत अच्छी और नेक इंसान, गीता बाली। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। 1930 में पैदा हुई थी गीता बाली अमृतसर में, एक बहुत गरीब सिख परिवार में। उनके पिता का नाम था करतार सिंह बाली। वो बहुत अच्छे सिंगर थे और कीर्तन किया करते थे, और उनकी गोद में बैठ के छोटी सी गीता बाली कीर्तन करने में उनका साथ देती थी, इसलिए उनके पिता ने उनका नाम रखा हर कीर्तन कौर। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक पता चला कि उनके पिता को चेचक निकल आई है, यानी स्मॉल पॉक्स, और वो नाबीना हो गए हैं। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, और ये सुनते ही गीता बाली बिल्कुल टूट गई। हम प्यार में जलने वाला था, चैन कहां है ये आराम कहां। गीता बाली ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था बहसियत चाइल्ड आर्टिस्ट, और वो 1946 में हीरोइन बन गई। लेकिन वो कहती थी कि मुझे असली शोहरत मिली 1948 में, जब मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, गीतकार केदार शर्मा ने मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन ले लिया, और उस फिल्म का नाम था सुहाग रात। वो फिल्म सुपरहिट हो गई और मेरे साथ हीरो थे भारत भूषण। केदार शर्मा गीता बाली के काम से बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी थे, मुतासिर भी थे, और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी ज़्यादातर फिल्मों में हीरोइन लिया गीता बाली को। उनमें से एक फिल्म का नाम था बावरे नैन, और उनके साथ हीरो थे राज कपूर। गीता बाली ने अपने दौर के सब बड़े बड़े टॉप मोस्ट हीरोज के साथ काम किया, जैसे भारत भूषण, राज कपूर, लेकिन सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया उन्होंने देवानंद के साथ। दे भी चुके हम दिल नजराना दिल का, अरे छोड़ो भी ये राग पुराना दिल का, छोड़ो भी ये राग पुराना दिल का। गीता बाली की किस्मत जोरों पे थी, खूब काम कर रही थी, बड़ी बड़ी महंगी महंगी फिल्मों में काम कर रही थी, और पैसा भी बहुत कमा लिया था, इसलिए 1953 में वो खुद प्रोड्यूसर बन गई, और बहसियत प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म का नाम था बास, और डायरेक्टर थे गुरुदत्त। जरा सामने आ, जरा आँख मिला, तेरा शुक्रिया कर दूँ अदा, ऐसे ना मचल मन जाए ना कुचल, तेरा दम ही निकल जाए ना। गुरुदत्त कहते थे कि मैं गीता बाली का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं तो एक डायरेक्टर था कैमरे के पीछे रहने वाला, लेकिन गीता बाली ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं हीरो भी बन सकता हूँ, और सिर्फ एहसास ही नहीं दिलाया, अपने साथ अपनी एक फिल्म में मुझे हीरो भी ले लिया। वाह वाह,
तबीयत रंगे मौसम देख कर लहराई जाती है, तो दिल की बात होती है नजर तक आ ही जाती है, नजर तक आ ही जाती है, नजर तक आ ही जाती है। ये तो सभी जानते हैं कि गीता बाली ने शम्मी कपूर से शादी की थी। 1955 में गीता बाली टॉप मोस्ट हीरोइन थी और शम्मी कपूर नए नए आए थे। दोनों एक फिल्म में एक साथ काम कर रहे थे और उस फिल्म का नाम था रंगीन रातें, और उस फिल्म की आउटडोर शूटिंग हो रही थी नैनीताल में, ज़रा करीब रानीखेत में। दोनों ने बहुत ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारा, मोहब्बत हो गई और मोहब्बत होते ही दोनों ने शादी भी कर ली एकदम चुपके से, सबसे चुपके आधी रात को एक मंदिर में। लेकिन शम्मी कपूर बहुत घबरा रहे थे। शर्माए काहे घबराए काहे, सुन मेरे राजा ओ राजा आजा आजा आजा। शर्माए काहे घबराए काहे, सुन मेरे राजा ओ राजा आजा आजा आजा। शर्माए काहे। गीता बाली और शम्मी कपूर के दो बच्चे हैं, एक बेटा आदित्य और एक बेटी कंचन। शुरू शुरू में शम्मी कपूर के घर वाले इस शादी से बहुत नाखुश थे, और इसकी वजह ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि कपूर परिवार की कोई भी बहू फिल्मों में काम करे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गीता बाली ने अपने हुस्न अखलाक से और सेवा करके, अच्छा सलूक करके सबका दिल जीत लिया। देखो जी मेरे बिना गाना ना गीत कोई, गाना ना गीत कोई। गीता बाली कहती थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ उस वक्त हुई थी जब मेरे पिता को चेचक निकल आई थी और वो ब्लाइंड हो गए थे। दोस्तों, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए, 1965 में खुद गीता बाली को चेचक निकल आई। उन्होंने आईना मांगा और अपनी शक्ल देखी, अपना चेहरा देखा तो फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि उनकी खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। ये धचका वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही अरसे के बाद उनकी डेथ हो गई, 21 जनवरी 1965 में। दोस्तों, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि उनके अंतिम संस्कार वहीं किए गए, उसी मंदिर में जहां उनकी शादी हुई थी, बाणगंगा में। तो ऐसी तकलीफ दे बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।